फ्रेंड्स, जुलाई का महीना शुरू हो गया है, कई बारिश हो चुकी है, लेकिन अगर अभी भी आपके मोगरे के पौधे पर नई ग्रोथ नहीं आ रही है, उनमें कोई शूट्स नहीं निकल कर आ रही है, तो आप ये जान लीजिए कि आपके पौधे में कि मिट्टी में न्यूट्रिशंस की कमी है। तो आज मैं आपके साथ कुछ ऐसी केयर टिप्स शेयर करने वाली हूँ, जिसको अगर आप अपने पौधे पर करते हैं तो आपके पौधे की बारिश के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी, नई नई ब्रांचेज आने लगेगी, आपका पूरा पौधा फूलों एवं कलियों से भर जाएगा। इसके लिए फ्रेंड्स, मैं जो एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र आप लोगों के साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी, अगर आप उसको फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली आपके भी प्लांट पे बेजल शूट्स आएंगी, साथ के साथ आपके पौधे में बहुत अच्छे से ग्रोथ होगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, दिस इज शगुफ्ता एंड यू आर वाचिंग माय न्यू गार्डन। मोगरा फ्रेंड्स आपका एक समर ग्रोइंग प्लांट होता है, ये आपका मार्च से लेके नवंबर तक बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है और लगातार एक हैवी फीडर प्लांट होता है, जिसको टाइमली अच्छे न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होती है। अगर आप आपके पौधे में जो ज़रूरी न्यूट्रिएंट है वो नहीं डालते हैं, तो फिर आपके पौधे में ना तो ग्रोथ होती है एक टाइम के बाद और ना ही आपके पौधे में फ्लावरिंग होती। ये एक सेंसिटिव प्लांट होता है जो कि बहुत अच्छे से फ्लावरिंग करता है, इनकी खुशबू बहुत ही ज़्यादा होती है जो कि आपके पूरे गार्डन को महका देता है। तो बारिश के मौसम में आपको आपके पौधे के साथ क्या काम करना है, अगर कलियां नहीं बन रही है तो आप ऐसा क्या काम करें जिससे कि वो न्यूट्रिएंट भी आपके पौधे को मिले और प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो। सबसे पहले तो फ्रेंड्स आपको ये करना है कि इस पौधे को, अब जो ये बारिश का टाइम है, आपको बिल्कुल ओपन एरिया में रखना है। अगर आपने इसको शेड वगैरह में रखा है तो इसको ओपन में रख दीजिए। गर्मी ज़्यादा थी जिस वजह से हम लोग ने इस प्लांट के जो पॉट है उसके नीचे ट्रे वगैरह रखी हुई थी, तो आप वो सबको भी हटा दीजिए। उससे क्या होगा कि प्लांट में किसी किस्म का कोई वाटर वो नहीं होगा, रुकेगा नहीं और पौधे में अच्छे से फ्लावरिंग होती रहेगी। एक जो ज़रूरी चीज़ है, आपको ये ध्यान रखना है कि आपको आपके पॉट को एकदम क्लीन रखना है। पौधे में इस टाइम बारिश के टाइम में वीड वगैरह जो घास होती है ये सब गमलों में बहुत ज़्यादा निकल आती है, तो आप उनको रिमूव करती रहिए, क्योंकि वो फिर आपके पौधे का न्यूट्रिएंट सक करती रहती है और प्लांट की ग्रोथ को स्लो कर देती है। एक काम और करिए, बारिश में जब प्लांट काफ़ी टाइम तक बारिश में रखा होता है तो पौधे की मिट्टी में काई लग जाती है, यानी मोल्ड। ये एक प्रकार का फंगस होता है जो कि आपके पूरे पौधे के जो उसका सरफेस होता है उसको वो काई कवर कर लेती है। तो आप जब भी बारिश रुके या आपको आपके गमले में कुछ काई लगी हुई दिखे तो आप इस तरह से उसकी गुड़ाई कर दीजिए, क्योंकि जब आप गुड़ाई करेंगे तो जो भी काई जमा होगी वो निकल जाती है। ये पौधा आपका, इसमें कलियां ना आने की वजह मेन कारण होता है फ्रेंड्स, एक तो न्यूट्रिएंट की कमी। जब प्लांट्स में न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो पौधे में कलियां आना बंद हो जाती है। दूसरी वजह होती है इस तरह से, देखिए जो ये फूल खिल के मुरझा जाते हैं, तो हम लोग जब उसको पौधे पर ही लगा छोड़ देते तो प्लांट वहाँ से अपनी ग्रोथ रोक देता है, ना तो वहाँ से फिर कलियाँ बनती हैं ना ही कोई ग्रोथ आती है। तो जब भी इस तरह के, ये देख रहे हैं ये उसकी कली है जो कि मुरझाने के बाद उसी पॉट में लगी है, तो जब ये फूल खिल के मुरझा जाए तो ये जो सीड पॉट हैं इनको आप तोड़ दीजिए, क्योंकि अगर ये पौधे में लगा रहा तो प्लांट की ग्रोथ वहाँ से एकदम रुक जाती है। और हल्की हल्की आप इस टाइम में एक से दो दो इंच की आप अपने हर एक ब्रांच को कट कर दीजिए, क्योंकि मोगरा आपका जो है ये प्लांट की जो न्यू ब्रांच होती है उस ब्रांच पे ही इसमें फ्लावर्स आते हैं और उसी ब्रांच पे आपकी कली बनती है, तो अगर आप ये नहीं तोड़ेंगे तो आपको दिक्कत आएगी। तीसरी वजह कलियां की ना बनने की जो होती है वो होती है प्लांट में किसी इंसेक्ट का अटैक। समटाइम्स इसमें स्पाइडर माइट्स मैंने देखा है वो लग जाता है, वो प्लांट को ख़राब कर देता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि पौधे में आप चेक करते रहिए डीपली, कहीं कोई किस्म का कीड़ा हो तो आप उसको निकाल दीजिए।
ये जो खाद है फ्रेंड्स, ये एक हैवी फीडर प्लांट होता है। इसको महीने में दो बार आपको अच्छा न्यूट्रिएंट होममेड ही आप देंगे, आपको कोई महंगी खाद खरीदने की ज़रूरत नहीं। ये जो आप देख रहे हैं ये है वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट एक कह लीजिए कि टोटल डाइट होती है प्लांट की, अच्छे से इसमें पौधे की ग्रोथ भी होती है। अगर आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है तो आप गोबर की खाद या पत्तियों की खाद आप कुछ भी डाल सकते हैं। महीने में एक बार आप ज़रूर दें तो ये ज़्यादा बारिश के टाइम में आपको वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद का यूज़ ज़्यादा नहीं करना है, क्योंकि बारिश के पानी से इनको नाइट्रोजन ईजिली मिल जाता है। दूसरी जो खाद आपने देखा अभी मैंने ये मिलाया है, ये है नीम की खली। नीम की खली ज़रूर बारिश के टाइम में आप अपने पौधों में डालिए। अगर आपके पास नीम की खली नहीं है तो आप नीम के पत्तों को मंगा लीजिए, उनको सुखा के उसका पाउडर बना लीजिए, फिर वो पाउडर आप नीम खली के जगह पे डाल सकते हैं। उससे मिट्टी में बारिश के टाइम में इंसेक्ट वगैरह लग जाता है तो पौधा आपका उससे भी बचेगा। एक चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है, अगर वाटरिंग की बात करूँ तो जब पौधे में कलियाँ बन रही होती हैं, लोगों की दिक्कत क्या आती कि कलियाँ तो आती है लेकिन वो फूल खिल नहीं पाता, तो वो ओवर वाटरिंग एक वजह होती है। जब पौधे में कलियाँ बन रही हों तो आप उस टाइम में पौधों में पानी मिट्टी के हल्का सा ड्राई होने पे दें। मोगरा को आपकी इसकी मिट्टी को एकदम सुखाना नहीं है, इसको ये मॉइस्चर लविंग प्लांट होता है, हल्का सा इसकी मिट्टी में मॉइस्चर बना रहना चाहिए। अगर आपने एकदम इसकी मिट्टी को ड्राई कर दिया तो जो फ्लावर्स हैं या जो कलियां हैं वो सूख भी जाएंगी, तो इसलिए इसकी मिट्टी आपको एकदम नहीं सुखाना है। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये 2 ग्राम के करीब जो ये सफ़ेद चीज़ आप देख रहे हैं, ये है एप्सम सॉल्ट यानी मैग्नीशियम सल्फेट, जो कि प्लांट की कुछ कुछ पत्तियां जब फेडेड होने लगें, लाइक पीली होने लगें, उनमें सिर्फ जो उनकी पत्तियों में बीच में नस होती है वो ग्रीन दिखे, बाकी पूरी पत्ती आपको पीली दिखे, तो आप समझ लीजिए कि प्लांट में मैग्नीशियम सल्फेट की कमी हो गई है। इसलिए आप एप्सम सॉल्ट 1-2 ग्राम तक ज़रूर दीजिए। बरसात के टाइम में जब गमलों में पानी रुकता है तो फंगस क्रिएट करता है, तो इसलिए बहुत थोड़ा सा लाइक आप 1-2 पिंच के करीब आप इसमें फंगीसाइड, कोई भी अच्छा सिस्टेमिक फंगीसाइड यूज़ करिए। एक चीज़ और, आप एक ट्राइकोडर्मा पाउडर आता है वो अच्छा, बहुत अच्छा यूज़फुल बैक्टीरिया होते हैं उसमें, वो ज़रूर मंगा के रखिए। बारिश के टाइम में आप पौधों में उसका यूज़ करिए, उसमें बहुत सारे यूज़फुल बैक्टीरियाज होते हैं जो कि प्लांट को बचाते हैं फंगस वगैरह लगने से। ये जो खाद आप देख रहे हैं इसको, ये सारी खाद मिक्स करने के बाद आप पौधे के अंदर अच्छे से दबा दीजिए, इससे जो आपके पौधे के पत्ते पीले पड़ रहे हैं, कलियां बिना खिले गिर जा रही हैं या फिर कलियां नहीं बन रही हैं, अगर आपके पौधे पर कलियां नहीं बन रही है तो आप सबसे पहला काम करिए पौधे की हर एक ब्रांच को पिंच कर दीजिए, कट कर दीजिए थोड़ा थोड़ा सा। दूसरा, आप उसमें 15 दिन में एक बार जो केले होते हैं इसका लिक्विड बना के ज़रूर डालिए, या फिर आप केलों को सुखा के उसका पाउडर या फिर बारीक बारीक पीसेस में कट करके मिट्टी में दबा दीजिए। 15 से 20 दिन बाद आप देखेंगे कि पौधों में कलियां बनना स्टार्ट हो गई। बारिश का टाइम है, इस टाइम जब भी आप पौधे को पानी दे रहे हैं तो मिट्टी प्रॉपर चेक करने के बाद आप अपने पौधे में पानी डालेंगे तो आपका पौधा ख़राब कभी नहीं होगा। इस तरह से अगर आप भी अपने पौधे की देखभाल करते हैं तो पौधे में लगातार नई नई कलियां बनती रहेंगी, पौधे की ग्रोथ बहुत अच्छी होगी और प्लांट में जितनी ज़्यादा ब्रांचेज होंगी उतना ज़्यादा प्लांट में कलियां बनेंगी। तो इस तरह से आप केयर करिए सनलाइट, इनको आप अभी भी 4-5 घंटे की अच्छी सनलाइट वाली जगह पर रखिए अपने पौधे को। जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी उतने अच्छे से प्लांट की ग्रोथ भी होगी, फ्लावर्स भी आएंगे। बस एक ही छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी फ्रेंड्स के मोगरा के पौधे पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर्स कैसे ले सकते हैं। होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोग को अच्छी लगी होगी, आप लोग के काम की होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर। मिलती हूँ आप लोग से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, टिल देन टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ और,
आप अपने पौधे की हर एक ब्रांच को जब चेक करेंगे तो बारिश के टाइम में मकड़ियाँ बहुत ज़्यादा लगती हैं। तो अगर आपको भी आपके पौधे पर मकड़ियाँ लगी दिख रही हैं तो आप उनको हटा दीजिए, वो पत्तों के पीछे लगी होती हैं, इसलिए ज़रूर चेक करिए। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय।